तक हाँ तब तक मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले झूठा ही सही कर ले झूठा ही सही हमने तुझको बहुत चुप चुप के देखा हमने बहुत तुझको चुप चुप के देखा दिल पे लिखी है तेरी काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा हो काजल की बनी लक्ष्मण की रेखा राम ने तूने रावण को देखा राम ने क्यों तूने रावण को देखा कड़े खिड़की पे जोगी स्वीकार कर ले झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले जो क्या बात है निहाल हेमा जी कैसा लगा आपको निहाल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा पल भर के लिए कोई हम पल भर के लिए मैंने वो एक्ट किया है साथ में देव साहब के साथ बहुत इंटरेस्टिंग था वो पूरा दैट सेटिंग जो लगाया था उन्होंने 50 खिड़कियां हैं और सारे खिड़की में से एक एक करके देव साहब जो आते हैं उस तरफ से और इस तरफ मैं हूँ तो किस खिड़की से आने वाले मालूम नहीं पड़ता है आई हैव टू एडजस्ट एंड कीप गोइंग यू नो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू शूट दिस पर्टिकुलर पार्ट बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड कितनी भी बार रिहर्सल हो देव साहब कभी थकते नहीं थे मैं थक जाती थी देव साहब लेकिन थके नहीं कितना बार किया लेकिन ही वाज अ परफेक्शनिस्ट एंड साथ में विजयानंद साहब जो डायरेक्टर थे एंड वंडरफुल इट वाज ब्यूटीफुल वे इट वाज पिक्चर आप लोग देखा होगा उस पिक्चर को जॉनी मेरा नाम किसने नहीं देखा पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले वो नहीं किया तो अभी कर लो निहाल तुम तो बहुत ही रोमांटिक बंदे हो कम ऑन पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही क्या बात है कितनी कमाल की बात है कि मैम तो एक्टिंग कर रहे थे और उसके बावजूद उनको एक एक लाइन एक एक वो इसलिए है क्योंकि देव साहब बहुत इंटरेस्टिंगली दैट इस पर्टिकुलर पार्ट को ऐड किया कोई हमें प्यार कर ले नो ही वाज कमिंग क्लोज एंड सिंगिंग लाइक दैट इट वाज वेरी स्वीट
the way he acted that particular part. Right, absolutely. Yeah, so beautiful. I always remember. Beautiful. Legendary, legendary. I'm telling you, ma'am. आप मानो ना मानो अंदर म्यूजिशियन छुपा हुआ है 100% यू आर डेफिनेटली सी आई एम अ डांसर व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग डांस म्यूजिक आल्सो आई लर्न ऑफ कोर्स नो वंडर दैट नाउ रिसेंटली आई हैव संग सम भजन्स आल्सो अरे वाह आई हैव कम आउट विद एन एल्बम आल्सो क्या बात है नो वंडर म्यूजिक एल्बम बात है अरुणिता क्या बात है दानिश इसे कहते हैं लिमिटलेस परफॉर्मेंस थैंक यू पहले मैं कह दूं कि आप लोगों में इतना जुनून है ना कि हासिल करने के लिए नाम शोहरत वो दिखता है एंड देन इतना डेडिकेशन है इसी की वजह से आप लोग इतना अच्छा गा सकते हैं थैंक यू मैम आई मीन जो लता जी आशा जी ऐसे बड़े बड़े कलाकार जो गाए तो आप लोग एग्जैक्टली वैसे के वैसे गा रहे हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड यू ऑल कितने यंग हैं आप लोग दोनों बहुत आगे नाम बनाएंगे आप लोग इसके साथ जुड़ी हुई कहानी तो बहुत है इसके इस पिक्चर की शूटिंग थोड़ा स्विट्जरलैंड में एंड देन एक माल्टा करके एक जगह यूरोप में है वहाँ पे हुई थी छोटी छोटी गली थी जैसे हम लोग मैं वृंदावन को देखती हूँ तो वहाँ पे कुंज गलियाँ है जी. तो उसी टाइप का कुंज गली वहाँ पे देखने को मिला जैसे सर्च कर रहा है ना द लवर्स आर सर्चिंग फॉर ईच अदर सो इस गली से कभी उधर से बड़ा ब्यूटीफुल था देन वी हैड गो टू वहाँ से हम स्विट्जरलैंड गए वहाँ पे भी शूटिंग हुई थी तो इस शूटिंग के दौरान क्या मैं हमेशा मेरी मम्मी साथ में आती है या आंटी मेरे साथ आती थी जी. तो इस बार मेरे साथ मेरे डैडी आए ओ. तो डैडी ऑफकोर्स ही He knows, धर्म जी से काफ़ी अच्छी दोस्ती भी है सभी लेकिन वो बहुत कोशिश किया कि वो हमारे साथ गाड़ी में ना बैठे बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट मी ना द डॉटर को प्रोटेक्ट करना है धर्म जी इस पर से कि नहीं नहीं मुझे भी आप ही के साथ गाड़ी में आना है बड़ा अच्छा भी मज़ा आ रहा था मुझे कि देखने के मैं गाड़ी में बैठने के बाद डैडी आके पहले बैठ जाएंगे सो दैट ही कैन नॉट सिट
But Dharamji is so clever, from the other side he will come and he will sit next to me. It was a little funny, but it was very interesting. Wow. और वाकई में मैम धर्म जी तो obviously the most handsome man and the most beautiful woman, क्या जोड़ी है इस जोड़ी के लिए एक बार जोरदार तालियां. Evergreen, immortal. Saath
क्या बात है। थैंक यू सो मच। वाओ सायली, क्या एक्सप्रेशन। जब से आई है ना, मुझे लग रहा है कि कोई देवी आई है। मतलब इतना सुंदर हो, ऐसा डिवाइन फील आ रहा है आपको देख के पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, सच्ची बोल रही हूँ मैं, ऐसा देखते ही रहो ऐसा लग रहा है। तो मैं सच्ची आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सत्ते पे सत्ता, सीता और गीता, शोले, मतलब मैंने बहुत बार देखा है। तो तो, तो आपको सबसे डिफिकल्ट सॉन्ग कौन सा था परफॉर्म करने के लिए आपका पूरा करियर में? पूरा करियर में गाना परफॉर्म, अभी आपने जो गाया लास्ट, जब तक है जा। अच्छा, क्योंकि वो सिचुएशन भी ऐसा था पिक्चर में। मैं बार बार कह रही थी रमेश सिप्पी जी डायरेक्टर से कि आप इसको नवंबर दिसंबर में कीजिए, बैंगलोर में बहुत अच्छा मौसम हो जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, आराम से करेंगे। ही सेज नो, अभी ही केम टू आस्क मी द डेट इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड ही सेज इट हैज़ टू बी शॉट इन मई महीने में ही मुझे इसका शूटिंग करना है। मैंने बोला बहुत गर्मी होगी, टॉप सन एंड यू नो हाउ मेनी डिग्रीज, उस वक्त तो बहुत मुश्किल होगा, कैसे करेंगे। सिचुएशन ऐसा था, तो तभी वो नेचुरल वो सब फीलिंग्स आएगी करके उस वक्त कराया। एंड देयर इज अ रॉक माउंटेन्स ऑल अराउंड, जिसकी वजह से और भी गर्मी लगती थी, पसीना हो जाते थे। तो मैं बार बार पंखा, अभी तो एयर कूलर वूलर आ जाता है, यू हैव अ वैन ऑल्सो नाउडेज, यू नो मेकअप वैन, वहाँ पे कुछ भी नहीं, नथिंग। सो इवन इन द लंच ब्रेक टाइम पे यू हैव टू सिट अंडर द सम रॉक, दैट्स ऑल, देयर इज नथिंग एब्सोल्युटली। ऊपर से डांस जब कर रहे हैं तो वो गब्बर कांच तोड़ के ऊपर डाल देता है रॉक पे, एंड देन ही इज आस्किंग मी टू डांस इन दैट, ना। तो वो सिचुएशन बताया मुझे रमेश जी ने कि ऐसा सीन है, आपको इस पे ऊपर से ये आना है, वो पत्थर ग्लास के ऊपर डांस करना है। तो माई मदर ने एक आइडिया दिया मुझे, आप पाँव में जो नीचे सोल है ना, वो एक बना लेते हैं ऐसा कपड़े का, पता ही नहीं चलेगा कि पहना हुआ है, उसके साथ तुम करो तो लगेगा नहीं। तो रमेश जी ने देख लिया, अच्छा कुछ पहन रही है पाँव में, क्या पहन रहे हैं आप? मैंने बोला नहीं, नथिंग। देन ही केम क्लोज टू मी एंड देन ही सॉ आई वाज ट्राइंग टू वेयर सम काइंड ऑफ अ सॉक्स, यू नो, व्हिच विल लुक नेचुरल फ्रॉम टॉप बट नीचे से सपोर्ट है मेरे लिए। ही सेज नथिंग, जो आप निकालो पहले। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, वो रॉक पे ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो थोड़ा ठंडा हो जाए। आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट टू यू नो मेक माई सेल्फ कम्फर्टेबल, लेकिन छोड़ा नहीं, आई हैड टू डू दैट। इट वॉज हर्टिंग अ लॉट। तो ऐसा ऐसा सिचुएशन में किया, बट काफ़ी 10 दिन लगा इसको शूट करने में, एंड देन यू कैन सी द रिजल्ट। जो चाहिए था वो करके छोड़ा, एंड आई एम हैप्पी आई डिड इट। वो अगर आई हैं और वो नृत्य अगर यहाँ पे ना हो मैम के द्वारा, तो फिर ये कैसे, मतलब ये अधूरा है, इंडियन आइडल अधूरा है। हेमा मालिनी स्पेशल में ये ना हो तो ये तो अधूरा रह जाएगा और हमारी ख्वाहिश भी अधूरी रह जाएगी। हाँ, क्या बात कही है नेहू आपने। Unbelievable. एक बार शोले के लिए और मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। मैम एक डायलॉग हो जाए फिल्म शोले का, प्लीज, हमारे लिए, हम सब डाई हार्ड फैंस के लिए, प्लीज मैम। चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है।
यूं तो हमने क्या कहा? क्या बात है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? मेरा नाम बसंती है। पहली बार सुना है ये नाम, बसंती। बहुत अच्छा नाम। क्या बात है, आपके इतने सारे फैंस हैं, लेकिन एक बहुत ही खास फैन है, इनफैक्ट बहुत ही खास फैन है, और उन्होंने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है। मैं प्ले कर सकता हूँ? हाँ जी, आइए देखते हैं। नमस्कार, हेमा जी के बारे में मैं जो भी कुछ कहूँगी वो कम ही होगा। वो मेरे लिए एक बहन के स्थान में है, और हम बचपन में जब दिल्ली में रहते थे वो और मेरी दीदी बहुत अच्छे दोस्त हैं, और डांस सीखने जाते थे और मैं भी पीछे पीछे जाती थी। लेकिन मेरा तो शौक म्यूजिक में था, फिर वो एक बहुत बड़ी स्टार बन गई, ड्रीम गर्ल बन गई। पर फिर भी वो अपने बचपन के दोस्तों को उन्होंने भूला नहीं, और मैं जब बम्बई गई उनकी मम्मी जया चक्रवर्ती जी इतना मुझे हेल्प किया, और फिर लक्ष्मीकांत प्यारलाल के पास लेके गए, और मेरी करियर की शुरुआत वहीं से हुई। हेमा जी जो भी जिंदगी में उन्होंने जो भी रोल निभाया है, इतनी डेडिकेशन, इतनी सिंसियरिटी और इतनी ऑनेस्टी से निभाया उन्होंने। एक माँ का रोल, एक बीवी का रोल, और हमारे जैसे लोगों के साथ एक दोस्ती का रोल, एक बहन का रोल। ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगी कि हमेशा उनको खुश रखें, उनको लंबी उम्र दें, और वो ऐसे ही ग्रेस और डिग्निटी के साथ सारी जिंदगी भर रहे। वाओ, सो स्वीट। कविता जी, थैंक्स सो मच फॉर स्पीकिंग सो वंडरफुल अबाउट मी। इनके साथ मेरा संबंध बचपन से है। शी वॉज जस्ट 2 ईयर ओल्ड। इनकी बहन और मैं, हम दोनों दो फ्रेंड्स थे, तो कहीं पे भी जाएंगे तो पीछे पीछे आती थी। देन बाद में जब मैं बॉम्बे आ गई, मैं फिल्म आर्टिस्ट बन गई, तो इन देन इट वॉज माई मदर, शी हर्ड कि इतना अच्छा कविता गाती हैं, तो इनको फिल्मों में ज़रूर गाना चाहिए करके मम्मी मेरी लक्ष्मीकांत जी के पास ले जाके उनसे इंट्रोड्यूस कराया। और मेरी एक पिक्चर बनी थी शरारा, शरारा में कविता जी से गवाया था एक गाना, बहुत सुंदर गाया उन्होंने। सो आई फेल्ट सो नाइस कि वो आज कितना अच्छा गाया। उसके बाद बहुत सारे फिल्मों में, और मैं जो भी नृत्य नाटिका करती हूँ, डांस बैले, उसमें सब कविता हैज टू सिंग, शी हैज टू सिंग, एंड शी सिंग्स सो ब्यूटीफुल। एब्सोल्युटली, एक बार जोरदार ताली। इंतजार जिनका कर रही है माधुरी, टू कटरीना, टू आलिया, टू जूही, वो फिल्म है रूही। और विशु सर, थैंक यू स्टार्स कि आज इस फिल्म के सुपर टैलेंटेड और सुपर प्रॉमिसिंग स्टार कास्ट से आप मिल पाएंगे लाइव। क्या बोल रहे हो? जी हाँ, प्रेजेंटिंग जानवी कपूर, राजकुमार राव और वरुण शर्मा। तालियां हो जाए टीम रूही के लिए। कैसा लग रहा है आपको इंडियन आइडल पे आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, हमेशा बहुत अच्छा लगता है। वन ऑफ द बिगेस्ट शोज इन द कंट्री, इंडियन आइडल, और आज तो हेमा जी भी हैं, तो आई थिंक चार चांद लग गए हैं शो में। हमारी फिल्म रूही एक हॉरर कॉमेडी है, 2018 में हम लोग स्त्री लेके आए थे, तो ऑलमोस्ट वही टीम है। स्त्री के लिए तालियां, क्या फिल्म थी उसमें वो स्त्री थी, इस बार जो है वो रूही है, और रूही के साथ उनके अंदर एक और अफजा भी जीती हैं जो कभी कभी बाहर आ जाती हैं। तो वही कि हम दोनों, एक रूही से प्यार करता है, एक अफजा से प्यार करता है। अच्छा। और अभी होगा क्या, वही सस्पेंस है जो आपको फिल्म में पता चलेगा। माय स्पेशल विशेस फॉर जानवी, वरुण एंड राजकुमार जी फॉर दिस फिल्म, गुड लक टू यू। थैंक यू हेमा जी, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए टीम रूही के लिए। थैंक यू।
Batiyaan, Jhoote Naina, Bole, Saanchi Batiyaan, Nit Jaan Kaave, Jaan Kaali Ratiya,
जी, आपके लाल लिपस्टिक को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कहना चाहती हैं। वाओ, क्या बात है। तो बेसिकली हम सबको पता है हमारी जो हेमा मालिनी जी जो हैं, वो क्लासिकली ट्रेन्ड हैं जी, एक कमाल की डांस फॉर्म में। और वो अगर आई हैं और वो नृत्य अगर यहाँ पे ना हो तो ये तो अधूरा रह जाएगा और हमारी ख्वाहिश भी अधूरी रह जाएगी। हाँ हाँ, क्या बात कही है नेहू आपने। हेमा जी, 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 हेमा जी। ओके, ओके। Oh my God! Indian television पर पहली बार, और ये हमारे लिए इतने बड़े सौभाग्य की बात है कि Indian Idol के स्टेज पर हम एक डांस परफॉर्मेंस देखेंगे by the living legend Hema Malini जी। जोरदार तालियां हो जाए। खुशनसीब है मैम, genuinely it's such an honor for us to have you perform on this stage. हमारा स्टेज धन्य हो गया मैम। Thank you so much for making me dance. Wow. Thank you so much. Let's have a huge round of applause for Hema Malini ji. As a grandmother, Hema ji is amazing. She's an awesome grandmom. मेरी बेटियाँ उनके साथ लिपस्टिक लगाएंगे, मेकअप लगाएंगे, अगर मैं किधर शूट में हूँ और मैं मम्मी को फिर ड्यूटी पे रखती हूँ, तभी मैं वीडियो कॉल अगर करूंगी तो मैं राध्या को देखती हूँ, तो उसने पूरा लंबा विग पहना है, लिपस्टिक पहना, और यहाँ पे घर में उसका शूटिंग चल रहा है नानी के साथ। मैं आज एक कुछ कहना चाहती हूँ आपको मम्मी। जब मैं बहुत ही छोटी थी तब से मेरा मेमोरीज यही है कि मेरे बेडरूम के सामने आपका मेकअप रूम हुआ करता था और आप रोज़ उठ के शूटिंग के लिए रेडी होते थे, मैं भी आती थी, मुझे स्कूल नहीं जाना होता था, मुझे आपके साथ शूटिंग आना था, शूटिंग आना था, वो सब होते ही रहता था, फिर रात को मम्मी आते थे वापस। मैं एक माँ हूँ आज, मुझे उस वक्त आप एज अ मदर बहुत चाहते थे कि आप हमारे साथ रहे घर में, बट यू हैड नो चॉइस एंड यू हैड टू वर्क।
I feel your emotions as a mother. कैसे लगता है बच्चों को छोड़ के काम पे जाना? And I am only proud and proud of you and I am blessed to have a mother like you. मम्मा, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आज जो मैं हूँ as Asia Deol for everyone is because of you. I worship you, I respect you, I love you and your Bittu is always there for you. Love you. दुनिया में चाहे कोई कितना भी बड़ा हो जाए पर एक माँ माँ होती है. Yes, and she is my lovely baby, Asha and Anna. I don't know what to say. I'm feeling very emotional and she spoke about that marriage time when she had to leave and go. I was very strong, of course. She had married because she was very close to me. You know, all the time I used to keep her with me wherever I go for shooting. Also, many places I used to take her with me. Ji. Both the girls I'll take. Yeah, I can't leave with, behind. So much wanting them. So, uske baad shaadi ke time pe to laga ki abhi ye, she's going away from me. You know, that separation was so terrible to take it. Adjust ho gaya hai, of course, she's always with me. Even after the marriage, aisa lagta hai ki she has brought a son for me, you know. Wow. I have two daughters. But do ladke aaye hain mere life mein. Dono such a wonderful boys for my girls. And I'm blessed with all the little babies in my life. So, ye sab inhi ki wajah se hua hai. And for the main reason is Dharmender ji for all that. Thanks to him for giving all these beautiful pleasures of life for me. Wow. क्या बात है. दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे. पल में पिघल जाओगे दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे तड़पाओगे. मैं आग दिल में लगा दूंगा वो ये पल में पिघल जाओगे. साथ साथ घन गाएंगे
सन्यासी मंदिर में। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले कोई सुना ले। सेज से कलिया चुना ले, सुना ले कोई सुना ले। हमको किसी का डर नहीं पर गौर जवानी पर नहीं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.